हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल बी टू जे आर एफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, यूजीसी नेट जे आर एफ का सिलेबस। तो उसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि पेपर वन और पेपर टू में क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको आप एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस, जो हमारा पेपर वन का सिलेबस है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, और इस तरीके से आप कैसे प्रिपरेशन करें पेपर वन और पेपर टू दोनों की, जिसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पे एक हम क्या सोचते हैं कि पेपर टू जो हमारा है, इसमें हम हाई स्कोरिंग कर लेंगे, हाई स्कोर कर लेंगे। जब इसमें आप हाई स्कोर करेंगे, आपने बीए किया 3 इयर्स प्लस एमए किया 2 इयर्स, सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सेम यही है। आप 5 ईयर जो सिलेबस, जो कोर्स पढ़ के आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी 5 ईयर्स वही कोर्स पढ़ के आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे, हो सकता है आप उनसे 5 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोर कर लें, बट अगर आप एक्चुअली कहीं पे आप स्कोर कर सकते हैं, वो है आपका पेपर वन। अगर पेपर वन में आप अच्छे से स्कोर करते हैं, तो यहाँ से आप अपना जो मार्किंग है बढ़ा सकते हैं। स्कोरिंग एरिया आपका पेपर वन आपके लिए अच्छा स्कोरिंग एरिया हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यूजीसी नेट की कुछ एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, तो वो आया है 10 जून से 21 जून के बीच में आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है। उसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा, अप्रैल में, एक्सपेक्टेड अप्रैल में। उसके बाद एप्लीकेशन कब आ जाएंगे, अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड मई या जून में, मई या जून मतलब मई का लास्ट वीक हो सकता है या जून के फर्स्ट वीक में। तो ये आपको, ये वाला डेटा नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उन्होंने एग्ज़ाम की एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, 10 जून से 21 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम की डेट होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं पेपर वन का मार्किंग स्कीम क्या है। आपके पास, आपको पता है, टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं। और हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है। तो आपके हर एक, जो आपका हर एक जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक से 5 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन। और कितने, 100 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन आप 100 मार्क्स के हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है। हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपको, ये पेपर वन के आपके टॉपिक्स हैं और इनकी मार्किंग स्कीम है ये। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन टॉपिक पेपर वन और पेपर टू में। ये पेपर टू है होम साइंस का। होम साइंस के कुछ टॉपिक्स, और ये है हमारा पेपर वन, सॉरी, ये है हमारा पेपर वन और ये है हमारा पेपर टू। तो यहाँ पे अगर आप, हम बात करें कुछ जो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो तो एक आपका हो गया ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एक टॉपिक ये कॉमन हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, ये आप एक्सटेंशन का, जब एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, एजुकेशन फ्रेमवर्क भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये 3 टॉपिक तो हो गए आपके कॉमन, जो आप यहाँ से इजिली कवर कर सकते हैं। एक क्या है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इसमें आपको कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये 3 कॉमन टॉपिक हो जाएंगे आपके, जिसका बेसिस आप अगर एक जगह से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचता है, अगर हम पेपर वन की बात करें कि पेपर वन में आपको कैसे स्कोर करना है, कॉम्प्रहेंशन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, एक पैराग्राफ, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ये भी अगर आप थोड़ा सा इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आप कैसे कवर कर सकते हैं, आपने एमए किया है,
एमए में आपने रिसर्च वर्क किया है, तो यहाँ से आपका रिसर्च का बेसिक आपके रिसर्च वर्क के क्लियर हो गए, तो यहाँ से आप रिसर्च का टॉपिक आराम से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, तो यहाँ से आप ये तीनों टॉपिक इजली कवर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इनको आप बाद में कर सकते हैं। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आपका क्या है, जनरल है, जनरल नॉलेज है। यहाँ से आप अगर जनरली आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आप यहाँ से ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। आपके पास बचते क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो लॉजिकल रीजनिंग भी आप कर लेंगे, बाकी अगर आपने मैथ्स किया है तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इजिली कर लेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे कुल मिला के कितने टॉपिक बचते हैं, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद आपके रीजनिंग के टॉपिक। इनके लिए आपको अलग से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी जो आपके यहाँ पे टोटल चार टॉपिक हैं, चार टॉपिक्स के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। बाकी छह टॉपिक आप इजिली कवर कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के साथ और कुछ जनरल अवेयरनेस के साथ। तो आपके लिए पेपर 1 यहाँ पे स्कोरिंग हो जाएगा तब जब आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ते हैं, और पेपर 2 के साथ साथ जैसे ही आप पेपर 1 में 25 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। 25 से 30 के बीच में अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो आप पॉसिबली आप JRF क्वालिफाई कर लेंगे। अब 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने टॉपिक क्लियर होने चाहिए, एक टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 टॉपिक आपके ये पेपर 2 के साथ क्लियर हो ही रहे हैं, तो यहाँ पे आपके हो गए टोटल 30 क्वेश्चन। चलो मान के चलो 30 में अगर आप 25 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले रहे हैं, बचे आपके 4 टॉपिक, इसमें कितने बचे आपके क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। 20 में आप अगर 10 भी कर ले रहे हैं, तो आराम से आप 30 से 35 क्वेश्चन पेपर 1 में इजिली कर लेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन, अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे कर ले रहे हैं, पेपर 2 में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, आप यहाँ पे अच्छे से आप स्कोर कर ही लेंगे, तो आप इजिली JRF क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे कॉमन, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर होम साइंस का सिलेबस। हम लोग जो 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स को हम प्रॉपरली एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।